आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में गले लगा लिया। जी हाँ, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का गले मिलना आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान हुआ। खैर, राहुल गांधी ने मोदी पर कई जुबानी हमले किए, लेकिन उन दोनों का गले मिलना सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इससे पहले एक तरफ सदन हंस उठा तो दूसरी तरफ पूरा देश हैरान रह गया। वहीं इनका मिलन शाहरुख खान और सलमान खान की याद दिला गया। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जहां तीखे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो वहीं कुछ ऐसे पल भी आए जब पूरा सदन हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान दो बार कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। राहुल गांधी जब पीएम मोदी पर तीखे वार कर रहे थे, तभी वो कुछ ऐसा शब्द बोल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी देर तक हंसते रह गए। दरअसल राहुल गांधी मोदी की विदेश नीति का जिक्र करते हुए कह गए कि प्रधानमंत्री बाहर नहीं जाते। राहुल के ये बोल बोलते ही सब हंसने लगे। इसके बाद तुरंत राहुल ने अपने वाक्य को सुधारते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बाहर तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ ओबामा जी से मिलने, ट्रंप जी से मिलने। इसके बाद राहुल गांधी देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, गैंगरेप और मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेर रहे थे, और वो पीएम मोदी पर आरोप भी लगा रहे थे कि वो इन मुद्दों पर कभी कुछ नहीं बोलते। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस का आभार व्यक्त भी किया और कहा कि इन लोगों ने उन्हें कांग्रेस होने का मतलब समझाया। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री को चुनाव में हराने जा रहा है। आप सोचेंगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, मगर मैं दिल से कहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे कांग्रेस होने का मतलब समझाया। इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब भी समझाया। हिंदुस्तानी होने का मतलब है कि कोई आलोचना करे, बुरा कहे, कुछ भी कहे, कुछ नहीं कहना चाहिए, अपना काम करते जाना चाहिए। मगर जैसे ही राहुल गांधी अपनी बात समाप्त करने वाले थे, वैसे ही उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सदन में किसी को इसकी उम्मीद ही नहीं थी। राहुल गांधी अपनी जगह से पीएम मोदी के पास गए और उनसे हाथ मिलाया और फिर गले भी लगाया। हालांकि इस दौरान वो कह रहे थे कि आप मुझे गाली दे सकते हैं, आप मुझे पप्पू भी कह सकते हैं, मगर मेरे भीतर किसी तरह की घृणा नहीं। मैं आपके भीतर से घृणा को निकाल फेंकूंगा और प्यार भर दूंगा। जैसे ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जादू की झप्पी दी और गले लगाया, वैसे ही पूरा माहौल तालियों की आवाज से गूंजने लगा। सदन में मौजूद सभी सांसद ठहाके लगाने लगे और तालियां बजाने लगे। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए और कहा कि वो अगले चुनाव में बीजेपी को हरा देंगे। वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का गले लगना शाहरुख खान और सलमान खान की झप्पी से कई ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की झप्पी सलमान खान और शाहरुख खान की झप्पी से कई ज्यादा है? नीचे कमेंट्स करिए। इस पर आपको क्या लगता है ये आप हमें जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हिंदी रश को सब्सक्राइब करिए।